तो हेलो गाइस, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो हमेशा की तरह एक वीडियो और। तो हमारे पास ये रेडमी का नोट 7 है, जैसे कि मैं आपको बता दूं। तो इसमें नो ग्राफिक्स नो लाइट आ रहा है। तो मैं आपको पहले भी चेक करके दिखा देता हूँ कि यहाँ पे डीसी मेरी लगा हुई है, और डीसी में हम देखेंगे। पहले हम इसको चालू करते हैं, चालू करके आपको चेक कराएंगे कि हमारा ये फ़ोन ऑन भी है कि नहीं है। तो मैं यहाँ पे पावर की को प्रेस करता हूँ। आप जैसे यहाँ पे इसकी रीडिंग देखोगे तो ये देख सकते हैं चालू की रीडिंग है गाइस, यहाँ पे चालू हो चुका है। पर अगर मैं ग्राफिक्स और लाइट की बात करूँ यहाँ पे गाइस, तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई ग्राफिक्स और लाइट नहीं आ रहा है। मतलब यहाँ पे ना कोई ग्राफिक्स है ना कोई लाइट है, और यहाँ पे देख सकते हैं फोन हमारा प्रॉपरली तरीके से ऑन हो चुका है। तो चलिए इस पे हम काम करने वाले हैं, और सारा कुछ हम यहाँ पे आपको करके दिखाएंगे, हर एक चीज, थोड़ी सी सप्लाई भी बताएंगे, और उसके बाद हम इसका डायरेक्ट सोल्यूशन करने वाले हैं। तो चलिए फटाफट हम यहाँ पे काम करते हैं। तो गाइज, अब इसमें हम क्या करने वाले हैं, मैंने इसकी लाइनें आपको दिखा दी थी, ट्रेस भी कर लिया था, लाइनें यहाँ पे प्रॉपर सही है, रीडिंग आ रहा था। पर हमारी अब सीधा ये पीएमएल को हम यहाँ पे चेंज करने वाले हैं। जैसा कि मैं आपको दिखा दूँ, पीएमएल मैंने यहाँ पे दूसरी लेके भी रखी हुई है। तो चलिए पीएमएल को चेंज करते हैं और देखते हैं कि हमारा प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो हम यहाँ पे पीएमएल को चेंज करेंगे, और पीएमएल चेंज मैंने सप्लाई चेक कर ली थी, सप्लाई इसकी ओके है गाइस। ये मैंने पीएमएल को निकाल दिया, ये इसकी, ये पीएमएल आप देख सकते साइड। और मैंने यहाँ पे दूसरी पीएमएल, ये देख सकते हैं ये दूसरी पीएमएल मैंने यहाँ पे रखी हुई है। जैसा कि मैं आपको यहाँ पे दिखा दूँ, दूसरी पीएमएल यहाँ पे डालने वाले हैं। फिलहाल मैं इसको क्लीनिंग कर देता हूँ, और क्लीनिंग करने के बाद फिर हम इसको इंस्टॉल करेंगे। तो गाइस, इस आईसी को हम इंस्टॉल करेंगे यहाँ पे। गाइज, ये हमारा जो मैंने बताया था रेडमी नोट 7, ये नोट 7 प्रो था एक्चुअल में। तो चलिए, ये मैंने इसका टेम्पर ग्लास ऊपर से निकाल दिया था। तो चलिए यहाँ पे मैम इसको चालू करते हैं, और चालू करने के बाद ये देख सकते हैं फाइनली इसमें लाइट ग्राफिक्स दोनों आ चुका है गाइज। तो इसमें जो प्रॉब्लम था वो पीएमएल का प्रॉब्लम था, और पीएमएल आपको चेंज करना है, और चेंज करने से आपका प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। तो क्योंकि मैंने डायरेक्ट, क्योंकि लाइट और ग्राफिक्स नहीं आ रही थी, तो इसलिए मैंने डायरेक्ट पीएमएल पे काम किया। बट डायरेक्ट आपको पीएमएल से काम करने से पहले गाइज, आपको करना क्या है, पहले पूरी ट्रैकों का नॉलेज लेना है आपको। पहले गाइज, पहले आपको इसकी सप्लाइयाँ चेक करनी है। तो मैं थोड़ी सी सप्लाई भी आपको इसके बीच में, जैसे कि मैंने बताई हुई है कि पहले आपको एक बार सारी सप्लाइयाँ चेक कर लेनी है। मैं एक फ़ोटो या छोटी सी क्लिप के माध्यम से आप देख पा रहे थे, तो वो छोटी सी क्लिक, और उससे आपको ये पता चल जाएगा कि इसमें क्या क्या सप्लाई आ रही है कि नहीं आ रही। सप्लाई चेक करने के बाद ही आपको यहाँ पे इसको चेंज करना है गाइस। तो देख सकते हैं ये हमारा प्रॉपरली काम हो चुका है। थैंक यू सो मच। वीडियो अगर